अरे शिनचान, क्या बात कर रहा है? सही में? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सही में? अरे भाई साहब, गाइस मुझे जल्दी से ये लिटिल सिंघम को बताना पड़ेगा। ग्रैनी ने लिटिल सिंघम की भैंस की टांगे तोड़ दी। ओ भाई, और उसकी टांगों को जोड़ने के लिए अब मुझे हमें भैंस चाहिए होगी। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। उसकी टांगे अब वो दूध कैसे देगी यार? अरे नहीं, अब लिटिल सिंघम भैया दूध नहीं पियेंगे तो शिनचान कैसे हो पिएगा? अरे नहीं गाइस, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या बात कर रहा है? शिनचान ने ये बताया तेरे को? अरे गाइस, हमारी भैंस की टांगे टूट गई भाई, और ये काम ग्रैनी ने किया है। जल्दी से कीको, तो अपने गैंग को लेके आ जा। मैं जल्दी से जा रहा हूँ ग्रैनी के घर पे। हमेशा गाइस, पता नहीं शिनचान को ये बात कैसे पता पड़ती है। अरे अब मुझे समझ में आया गाइस, ग्रैनी के जो छोटे बच्चे हैं ना, वो बताते हैं शिनचान को कि लाइक शिनचान की टांगे टूट गई, शिनचान लिटिल सिंघम की भैंस की टांगे टूट गई। हे भगवान, ये टांगे पता नहीं क्यों ग्रैनी को इतनी पसंद आ रही है। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों? अरे लिटिल सिंघम भैया, मुझे पता है। अरे गाइस, उसको भैंस की टांगे पसंद है, मुर्गी की टांगे पसंद है, चिकन लेग पीस बोलती है वो, इतनी गंदी है वो, गाइस नॉन वेज खाती है वो। इसका मतलब कि गाइस अब से वो शिनचान की भी टांगे खा सकती है, क्योंकि उसने भैंस की टांगे भी खाने का सोचा हुआ है ना। इसका मतलब पहले भाई शिनचान को स्कूल से निकलवाना पड़ेगा। लिटिल सिंघम भैया सुनो, शिनचान को जल्दी से स्कूल से लेके आओ, फटाफट फटाफट। ओ भाई साहब, मुसीबत हो गई है, तो जल्दी से मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। और अंकल जी, मार के क्यों जा रहे हो यार? कोई बात नहीं, अंकल जी मार के चले गए भाई। शिनचान की टांगे मुझे बचानी है, क्योंकि गाइस ग्रैनी शिनचान की टांगों को कच्चा चबा के खा सकती है। तुम जानते हो ग्रैनी कितनी गंदी है। मैं जल्दी से जा रहा हूँ ग्रैनी की स्कूल, मतलब शिनचान की स्कूल, और वहाँ पे जाके शिनचान को जल्दी से लेके आता हूँ। शिनचान को बचाना पड़ेगा, वरना उसकी टांगे टूट जाएगी। लो मैं आ चुकी हूँ, लिटिल सिंघम की भैंस की टांगे तोड़ करके अब आ चुकी हूँ शिनचान की टांगे तोड़ने के लिए। लिटिल सिंघम की टांगे बाद में तोड़ेंगे, उसको भाड़ में जाने दो। हेलो सुनो ग्रीन ग्रैनी, और पिंक ग्रैनी तुम भी सुनो, जल्दी से शिनचान को लेके आओ। उसे बोलो कि है ना, यहाँ पे पानी के अंदर उसे खेलने के लिए बुला रहे हैं, तो जल्दी जाओ ऐसे लेके आओ, और इस बहाने से शिनचान की टांगों को तोड़ देंगे अपन। बड़ा मजा आएगा, भैंस की टांगे भी तोड़ दी, अब शिनचान की टांगे भी तोड़ेंगे। भाई मजा तो मजा यहाँ पे है। चलो मैं ऐसा करती हूँ गाइस, जल्दी से इधर कोने के अंदर छुप जाती हूँ, शिनचान आएगा मैं उसे फटाक से पकड़ लूंगी, मजा आएगा। ठीक है व्हाइट ग्रैनी, मैं समझ गई। शिनचान तो अभी तो लंच हो रहा है ना, तो अभी अच्छा मौका है हमारे पास में, बहुत जल्दी से जाते हैं और शिनचान को बुला के लेके आते हैं। और मैं शिनचान को मैं ही किडनैप कर लूँ क्या? अरे हाँ, अरे बाबा नहीं, मैं नहीं किडनैप करूंगी, शिनचान खुद आएगा। अब जल्दी से जाती हूँ, शिनचान को फटाक से बुला के लेके आती हूँ। अरे शिनचान आजा, जल्दी आजा, तेरे को वहाँ पे पूल के अंदर कोई खेलने के लिए बुला रहा है, जल्दी आजा। गाइस शिनचान हमारे पीछे आ चुका है, एंड ग्रैनी का प्लान काम कर गया है, अभी बस काम ये करना है। आजा भाई जल्दी आजा, शिनचान आजा फटाफट। और गाइस जैसे पानी के पास में जाएगा शिनचान, हम उसकी टांगों को तोड़ देंगे। लिटिल सिंघम की भैंस की टांगे तो हमने पहले ही तोड़ दी है, अभी शिनचान की टांगों को तोड़ेंगे। अरे कहाँ रह गया शिनचान, जल्दी आना। अरे 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 कहीं इसको पता तो नहीं, आ गया, मुझे लगा कहीं इसको पता पड़ गया होगा। आजा शिनचान आजा जल्दी आजा। चलो तो गाइस अब जल्दी से इसकी टांगे तोड़ते हैं। आजा जल्दी आजा, यहीं पानी के अंदर ही जाना है, आजा जल्दी आजा। ऑलराइट, ओए व्हाइट ग्रैनी, हेलो व्हाइट ग्रैनी, अरे जल्दी आजा, शिनचान की टांगे तोड़ेंगे, आजा फटाफट। अरे ठीक है, मैं समझ गई। ओ शिनचान, ये रहा, पकड़ लो शिनचान को, पकड़ लो। ये पकड़ लिया, चलो भाई शिनचान को यहाँ पे बांध दिया। शिनचान अब तू बंधा रहेगा, ये लो गाइस इसको हमने पकड़ लिया। रुको, तुम देखना चाहते हो ना शिनचान की टांगे बांधते हुए तोड़ते हुए? अरे तो रुको ना, पूरी वीडियो देख के जाना। अभी मैं इसको जल्दी से गाड़ी के अंदर रख देती हूँ, और फिर उसके बाद में इसकी टांगे तोड़ेंगे। तो गाइस जल्दी से मुझे यहाँ से गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। अरे गाड़ी कहाँ रह गई रे, लगता है रास्ते के अंदर से कहीं ना कहीं से चुरानी पड़ेगी। हेलो अंकल जी, रुको, अरे यार इसने तो गाड़ी नहीं रोकी। रुको भाई साहब, रुको जल्दी से। अरे मेरे को मार के जा रहे हो भाई, हिम्मत कैसे हो गई भाई मिन्नू मेरे को मारने की? लगता है वो बड़ा सा ट्रक आ रहा है, मैं उसको जल्दी से रोक लेती हूँ। अरे ये नहीं, गाड़ी मिल गई। चलो जल्दी से इसकी डिग्गी खोलो भाई, फटाफट, और शिनचान को उठा लो भाई जल्दी से। और शिनचान को ये मैंने गाड़ी से उठा लिया, ओए उठ रहा है शिनचान, उठ जा। चलो तो अब जल्दी से इसको गाड़ी के अंदर रख देते हैं। ये लो भाई गाड़ी के अंदर इसको रख दिया,
जल्दी से इसकी गाड़ी की डिग्गी को भी बंद कर देती हूँ फटाफट से, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि हमने शिनचैन को किडनैप कर लिया। अरे छोड़ो, टाइम कहाँ है, शिनचैन की टांगे तोड़ेंगे उसमें ज्यादा टाइम देंगे। शिनचैन की टांगे तोड़ने में तो मजा आ जाएगा दोस्तों, हमने किडनैप कर लिया शिनचैन को और ये बात किसी को पता भी नहीं पड़ी। निकाल लो अब जल्दी से यहाँ से अपनी गाड़ी, क्योंकि ये बात अगर लिटिल सिंह हमको पता पड़ गई तो वो हमको छोड़ेगा नहीं। जल्दी से भाग के यहाँ से निकल जाओ, और भाई ऐसी ताकत के साथ भागूंगी कि किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, और कीको मास्टर भी हम जरा पीछा नहीं कर सकता। लो तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं ग्रैनी के घर पे, और भाई शिनचैन की टांगे तोड़ने के लिए तुम लोग रेडी हो जाओ। मजा आएगा मजा। अरे शिनचैन की टांगे तोड़ना कौन कौन देखना चाहता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो, एंड ये लो भाई उतर जाते हैं जल्दी से यहाँ से, एंड शिनचैन को उतारते हैं भाई फटाफट फटाफट। ये लो भाई शिनचैन आजा बाहर। ओके शिनचैन आ चुका, अब शिनचैन की टांगे तोड़ेंगे। रुको रुको रुको, अभी इसको मैं जल्दी से इधर रख देती हूँ, एंड अब टांगे तोड़ने के लिए मुझे औजार चाहिए। चलो जल्दी से इसका औजार भी लेके आते हैं, दो मिनट दो बस। चलो तो गाइस अभी अपन जल्दी से चलते हैं, एंड भाई ग्रैनी के घर पे चलते हैं, क्योंकि कीको गया है शिनचैन के स्कूल शिनचैन को लेके जाने के लिए, और भाई क्योंकि शिनचैन की जान खतरे में ना, तुम्हें पता ही है टांगे तोड़ने वाला है, क्योंकि भाई हमारी भैंस की टांगे तो तोड़ दी है पहले से ही। मैं अपनी सेना को लेके जा रहा हूँ और भाई ग्रैनी की बैंड बजाने जा रहा हूँ। चलो भाई हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा, आ जाओ मेरे सेनापति पूरी गैंग लीडर्स, आ जाओ जाओ फटाफट फटाफट। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं शॉर्टकट लेकर के, क्योंकि ये शॉर्टकट तो किसी को भी नहीं पता। निकालो यहाँ से भाई, जल्दी से भगा लो गाड़ी को, और अब यहाँ से इधर निकलते हैं। गाइस हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ये काम करना पड़ेगा वरना ग्रैनी। हेलो, अरे हाँ हाँ कीको बोल, क्या बोल रहे है, क्या बात कर रहा है, शिनचैन स्कूल के अंदर नहीं है? अरे भाई साहब क्या, अच्छा उसको प्रिंसिपल लेके गई थी और वो किडनैप हो चुका है। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, इसका मतलब ये काम ग्रैनी का तो नहीं है ना, ग्रैनी का ही है। अरे गाइस मुसीबत हो गई, गाइस शिनचैन ने ग्रैनी को पहले ही किडनैप कर लिया। अरे मतलब कि ग्रैनी शिनचैन को पहले ही किडनैप करके भाग चुकी है। गाइस कहीं टांगे तो नहीं तोड़ दी होगी ना यार? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों, मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ ना, मैं अपनी गैंग लेके जा ही रहा हूँ, ये तो पहले से ही पता ही है, एंड साथ में दो तीन बार बॉम्ब्स भी लेके चलता हूँ भाई। ओ भाई जल्दी हटो आंटी जी, जल्दी हटो, मुझे शिनचैन की जल्दी से जान बचानी पड़ेगी। जल्दी से निकालता हूँ यहाँ से गाड़ी फटाफट फटाफट। अरे ग्रैनी ग्रैनी प्लीज यार छोड़ देना मुझे। अरे यार मेरी टांगे तो चिन्नी मिन्नी छोटी सी है, मेरी टांगों का क्या करेगी तू? अरे यार ग्रैनी प्लीज छोड़ देना यार, मेरी तो मेरे हाथ भींच रखे हैं, बांध रखे हैं, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दे। ना ना मुन्ना ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाली जब तक कि तेरी टांगे मेरे को मिल नहीं जाती। चिंता मत कर, बस आ रही है मेरी दो तीन बहनें, उन दोनों को आ जान दो, फिर तेरी टांगों को तोड़ देंगे। लिटिल सिंघम के भैंस की टांगे तो हमने पहले ही तोड़ दी है, अब तो बड़ा ही आसान हो चुका है शिनचैन की टांगे तोड़ना भी। तुम्हें पता है दोस्तों ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? अरे मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारी महान जॉइंट ग्रैनी को शक्तियाँ चाहिए, और उन शक्तियों के लिए शिनचैन की टांगे चाहिए। एक शिनचैन की टांग, एक भैंस की टांग, एक कीको की टांग, इन सब की टांगे चाहिए। अगली वीडियो के अंदर हम कीको की टांगे भी तोड़ देंगे, वीडियो पूरा देख के जाना, जल्दी से कमेंट कर दो पार्ट टू। आ जाओ कीको और लिटिल सिंघम की ब्लैक लिटिल सिंघम की गैंग, आ जाओ हम आ चुके हैं शिनचैन की, मतलब जहाँ पे शिनचैन चोरी हुआ है यानी कि ग्रैनी के अड्डे पे, एंड यहाँ पे हम अपनी शिनचैन की टांगों को बचाएंगे। कैसे भी करके शिनचैन की टांगे बचानी है दोस्तों, आ जाओ हमला कर दो सीधा, पहली बार में ही हमला कर दो। गाइस दूसरा रास्ता ही नहीं देना, ठीक है ना, फटाफट हमला करो, और मैं जल्दी से यहाँ से जाके छुप जाता हूँ भाई, फटाफट फटाफट भाग जाता हूँ भाई, भागना सही रहेगा। और लिटिल सिंघम की गैंग जाके जल्दी से हमला करो शिनचैन के ऊपर। अरे दादा अरे दादा, यहाँ पे इतने सारे लिटिल सिंघम कैसे आ गए? ओ गाइस यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई भाई। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, जल्दी से मुझे यहाँ से ऊपर चले जाके छुप जाना चाहिए। गाइस ये तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात हो गई, इतने सारे लिटिल सिंघम कैसे आ गए? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने सारे होंगे लिटिल सिंघम। अरे नहीं 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 नहीं, जल्दी से कलरफुल ग्रैनी को बुला ले तू। हेलो, अरे काल, अरे कहाँ भूल गया मुट्टे बुद्धि के, जल्दी आ जल्दी। हाँ
फटाफट फटाफट। अरे अपन को जल्दी से यहाँ पे आना है, लड़ाई करनी है भाई, मुसीबत हो गई है। अरे ग्रैनी मैं नहीं आ रहा यार, बहुत हो गया तेरा लड़ाई वड़ाई करना, आज से मैं नहीं करूंगा देर से कोई भी लड़ाई, बहुत हो गया यार। मैं फालतू ही मर जाता हूँ तेरे कारण से, और मेरे को फालतू ही दवाई लेनी पड़ जाती है, और तू एक जीतती कभी नहीं है, तो मेरे को पैसे वैसे भी नहीं मिलते ना भाई, ना मैं नहीं आ रहा। अरे काल यार प्लीज आ जा यार, मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगी, प्लीज जल्दी आ जा। ऐसा कर सुन, 1 लाख रुपए दे दूंगी, प्लीज अच्छा जल्दी आ जा यार, जल्दी फटाफट आ जा यार, बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, मुसीबत हो चुकी है, जल्दी आ। क्या क्या बात है, ग्रैनी 5 करोड़ रुपए दे रही है, ओहो क्या बात है, आज की लड़ाई गाइस खतरनाक होने वाली है, ग्रैनी मुझे 5 करोड़ रुपए दे रही है, ये लो मैं आ गया ग्रैनी, तो देखो मेरे साथ तो मेरी गैंग भी पहले जा चुकी है, क्या बात है ग्रैनी एक लड़ाई के 5 करोड़ रुपए दे रही है, देखो जल्दी लड़ना किससे है। अबे ये क्या लिटिल सिंघम, नहीं 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 ये तो ब्लैक लिटिल सिंघम है, क्या बात कर रहा है, ब्लैक लिटिल सिंघम के साथ लड़ाई करनी है, ये मूर्ख ग्रैनी तेरे को किसने समझाया, मैं नहीं लड़ने वाला, मैं यहाँ से पटाख से भाग जाता हूँ गाइस, मैं नहीं लड़ने वाला भाई, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी गाइस, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ भाई, जल्दी से यहाँ से भाग जा, किसी को भी नहीं पता पड़ा, ये लो भाई भाग लिया मैं तो, भाई भाग लो लिटिल सिंघम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं नहीं लड़ने वाला, पानी के अंदर डूब के मर जाता हूँ भाई फटाक से। अरे चिंता मत करो लिटिल सिंघम भैया, बस पहुँच गया मैं, आपकी गैंग कम नहीं पड़नी चाहिए, मुझे पता पला है कि भाई काल की गैंग आ चुकी है, समझ में आ गई दोस्तों, समझ में आ चुकी है, काल की गैंग भी अब हमला करेगी, ग्रैनी की गैंग भी हमला करेगी, तो भाई कीको भैया तो हमारे लिटिल सिंघम भैया अकेले रह जाएंगे ना, अकेले रहने नहीं देंगे अपन उनको, अरे हम आ गए हैं कीको की गैंग लेकर के, आज गाइस घमासान युद्ध होने वाला है यहाँ पे, तुम लोग सोच भी नहीं सकते, शिनचैन की टांगों को बचाने के लिए हम कितना कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हमारे लिटिल सिंघम की भैंस की टांगे तो पहले ही टूट चुकी है, शिनचैन की टांगों को हमें जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा, शिनचैन चिंता मत कर हम तेरे को बचा लेंगे, बस 2 मिनट की बात, देर रुक, बस 2 मिनट की बात है और है थोड़ी देर और लगेगा, बस चिंता मत कर शिनचैन, चिंता मत कर, बस 2 मिनट रुक जा, चलो मैं शिनचैन को, अरे ये कहाँ आ गया मैं, अरे नहीं 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 ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, क्या हमें उनको मारना पड़ेगा, दोस्तों मुसीबत कैसी भी हो हमें जल्दी से इनको फिनिश करके एक रैम चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने शिनचैन की टांगों को बचा सकते हैं, क्योंकि भाई शिनचैन की टांगे तो पहले ही ग्रैनी ने तोड़ दी है, मगर दोस्तों चिंता मत करो ग्रैनी अलग तरीके से तोड़ती है, ताकि शिनचैन को दर्द नहीं होगा, मगर हम बिना जोड़े भी ऐसे जोड़ेंगे कि उसको शिनचैन को दर्द नहीं होगा, चिंता मत करो, बस 2 मिनट की बात है, फटाफट रैम चैलेंज करते हैं, वीडियो पूरा देख के जाना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है ना लिटिल सिंघम भैया, सुनो जल्दी से एक रैम चैलेंज कंप्लीट करो, आप जाओ जल्दी से जाके रैम चैलेंज कंप्लीट करो, मैं तब तक इधर इन कालों को ठोकता हूँ, अरे रुक जा काल बाकी यहाँ जा रहा है, अरे रुक ना इनका घर भी जला देता हूँ ना, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, जला दो बचना नहीं चाहिए कोई भी, यहाँ से भागना नहीं चाहिए भाई कोई भी, ओके यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अब कोई भी नहीं बचा, ये रहा एक काल, अरे रुक रुक रुक, क्या पटका खिंचा करके क्या लात मारी है मैंने उसको, लात हमें जिंदगी भर याद रखेगी, और जल्दी से इसको भी निपटा देता, ये लो भाई, अब लिटिल सिंघम भैया अब आपकी चांस है, जल्दी से जाके रैम चैलेंज कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, और ऐसा करो ग्रैनी की गाड़ी ले जाओ, समझ गया चिंता मत करो, बस आ गया गाइस रैम चैलेंज करने के लिए, थोड़ा सा रैम चैलेंज बता रहे हैं, ये छोटा सा रैम चैलेंज है, फटाक से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद में हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इस रैम चैलेंज के आगे आगे बढ़ने के लिए, तो हमें यहाँ से कूदी मारनी है एंड उसके बाद में अपनी जान बचानी है, क्या बात है भाई जान तो बचा ली, अच्छी बात ये है, मगर बुरी बात एक सेकंड एक और है, एक सेकंड हमारी गाड़ी को क्या हो गया, अरे दोस्तों गाड़ी तो मैंने बड़ी आसानी से बचा ली, अरे तुम भी क्या सोचते रहते हो यार, चलो कोई बात नहीं जल्दी से आ जाओ रैम चैलेंज कंप्लीट करते हैं, 2 मिनट की बात और है, फिर उसके बाद में हमारा आखिरी हमला करेंगे हम, और वो पूरी ताकत के साथ में करेंगे जो ताकत तुम सोच भी नहीं सकते, चलो 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 जल्दी चलो यहाँ से निकलते हैं अपनी गाड़ी को बचा करके, एंड उसके बाद में यहाँ से गाड़ी को घुमाते हैं, आगे का इस रैम चैलेंज और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जॉइंट की को जॉइंट लिटिल सिंघम की गैंग हमारे पीछे पड़ चुकी है, और ये गैंग गाइस तुम मामूली गैंग मत समझना, ये गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर हम चैलेंज भी बड़े आसानी से कर लेते हैं ना, अरे चिंता की क्या ही बात, मैंने पता है पहले कभी सपने के अंदर देखा था यहाँ पे भूत भूत आते थे, मगर चिंता की बात नहीं है, मैंने अब सभी के सभी भूतों को तो मार दिया था पहले ही, और ग्रैनी की टांगे शिनचैन की टांगे बचानी है ना, ग्रैनी की टांगे तोड़ेंगे गाइस,
सोचो क्या प्लान, एक प्लान बनाएगा, तुम बोलो क्या प्लान बनाता है ग्रैनी की टांगे तोड़ने का। अरे चलो चलो गाइस, तुम मुझे कमेंट करना क्या क्या कर सकते हैं ग्रैनी की टांगे तोड़ने के लिए। मैंने तो सोचा है कि मैं चक्कू का इस्तेमाल करूंगा एंड ग्रैनी को किडनैप करूंगा। तुम जरा बताओ अपना क्या, तुम क्या क्या करोगे। देखो यार मेरे तो डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं, कभी कभी तो मैं बदल देता हूँ, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ शिनचैन ग्रैनी के इंजेक्शन लगा देते हैं भाई, जोर से डॉगी का इंजेक्शन लगा देते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसे मौज मस्ती चलती रहती है गाइस। अब बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। भाई मुझे तो बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें पसंद है एंड अभी मुझे कैसे भी करके शिनचैन की टांगों को बचाना है, क्योंकि गाइस शिनचैन की टांगे लेग पीस बन जाएगी अगर शिनचैन की टांगे नहीं बचाई तो, उसकी टेंगे की जांगे बजानी पड़ेगी बस। तो जल्दी से यहाँ से घुमाते हैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से और इधर करो, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से इधर ले लो फटाफट फटाफट और आ गए इधर। अब मुझे जल्दी से आगे का चिन्ना सा रैम चैलेंज और कंप्लीट करना है, 2 मिनट की बात है, उसके बाद में हमें मिल जाएगी शिनचैन की टांगों का फुल एक्सेस। हम शिनचैन की टांगों को रोबोट बना सकते हैं एंड रोबोट तो तुम जानते हो कितने खतरनाक होते हैं, ग्रैनी भी तो यही चाहती है। अरे और नहीं तो क्या, बताती नहीं है वो गाइस, बहुत चंट खोपड़ी है वो, ग्रैनी बताती नहीं है, मगर ग्रैनी का भी यही सपना है कि वो एक रोबोट बन जाए और रोबोट बन के सबसे शक्तिशाली को मार दे। और मगर चिंता मत करो दोस्तों, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी जल्दी से अपन यहाँ से निकलते हैं, कैसे भी करके अपनी गाड़ी को यहाँ से भगाते हैं एंड शिनचैन की टांगों को बचाते हैं। बाय साहब, ऐसे भागो ऐसे कि जैसे कभी ना भागे हो। अरे बच करके, चैलेंज इतना आसान होना चाहिए दोस्तों कि कोई सोच भी ना सके चैलेंज कोई कर भी कैसे रहा है, जैसा कि मैंने इस चैलेंज के अंदर किया, इतना आसान बनाया जैसे कि मैं कर ही नहीं पा रहा। अरे नहीं नहीं, मेरी टांगे बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई, नहीं 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 नहीं, अरे गिर गई। कोई बात नहीं गाइस, हमने शिनचैन की टांगे बचा ली है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट, अब्बा शब्बा।